हसन सी ने दुखों का तजर्बा किया और हमारी खातिर अपनी जान सलीम कर दी। तो इसे पूजा करते हैं कि तुम सब फरूल की मामूरियत आकर और तौफीक अता कर कि हम बड़े ईमान और रूहानियत के साथ इस रूहानी सफर में, इस सलीमी सफर में शरीक हों और तुझसे फजल बरकत और हर तरह की बीमारियों तकलीफों और परेशानियों से शिफा पाए जो इस सफर में हमारे साथ हमारी मदद करते हैं। तमाम किरदारों को तेरे हुजूर में पेश करते हैं कि सबके साथ होने के बाद फरिश्तों की पनाह और हिफाजत करा, मुकद्दसीन की मदद के जिंदगियों में शामिल कर ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक आज का ये सलीमी सफर हम तय कर सकें और तेरे बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल करें मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। मुकाम पहला, यसु पर मौत का फतवा दिया गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं इसलिए कि तूने अपनी पाक स्लीप से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि पहला क्रूस ने यसु को कोड़े लगवा कर और उसके सर पर कांटों का ताज रखवा कर बेइंसाफी से सलीब पर चढ़ाए जाने का हुक्म दिया। ए प्यारे यसु, सिर्फ पिलातुस ही नहीं बल्कि हमारे गुनाह तेरी मौत का सबब हुए। हम तेरी इस गमनाक रास्ते की खातिर तुझसे दुआ करते हैं कि तू इस दुनिया के सफर में जिसमें हमारा दिल गुनाह के सबब कमज़ोर होता जाता है हमेशा हमारी मदद कर। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ऐ मरियम, फजल खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यसु। ऐ कस्सा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुद्रस का हो जैसा कि पिता में था और हमेशा होगा। हम पर रहम कर आए खुदावन, हम पर रहम कर आए खुदावन। यसु ने सलीब उठाई है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि यसु सलीब के बोझ के तले दबा हुआ चलते चलते हमारी बाबत सोचता था और इस मौत को जो हमारे सहने को था अपने बाप की नजर गुजराना। ऐ बहुत प्यारे यसु, जो सलीब तेरे कंधे पे रखी गई वो हमारे गुनाह हैं। आज हम तुझको सलीब के नीचे देखकर सच में वादा करते हैं
हम अपनी मौत पर तेरे पीछे अपनी तौबा की सलीब उठाकर चले थे। आमीन। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। साहब ए मरियम, तू फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। चिरागाम पर बेटी नजरा हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर आए खुदावंद, झुक लई सलीब मुड़े मरियम बिलाल ले, सोनिया दी मार खादी शाहे जलाल ने, झुक लई सलीब मुड़े मरियम बिलाल ने। तीसरा, यसु पहली दफा गिर पड़ा, तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पाक स्लीप से दुनिया को मुकद्दसी बख्शी। ख्याल करो कि मसीह दुख और तकलीफ से ऐसा कमजोर हो गया कि मुश्किल से चल सकता था और सलीब के बोझ से गिर पड़ा। ऐ हमारे प्यारे यीशु, हमारी वेदनाओं का बोझ तेरे गिरने का सबब हुआ, उसी गिरने की खातिर हमको बड़े गुनाहों में गिरने से बचा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। चिराग बाप और बेटे रुद्रस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर आए खुदावंद, हम पर रहम कर आए खुदावंद। चौथा, यीशु को उसकी गमजदा माँ मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे मेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पाक सलीब से दुनिया को मुकद्दसी बख्शी। ख्याल करो कि यहाँ माँ और बेटे की मुलाकात होती है। कैसी मोहब्बत से यीशु ने अपनी मुबारक माँ की तरफ देखा होगा, और कैसे अफसोस और हमदर्दी से मुबारक मरियम ने अपने बेटे की तरफ देखा होगा। ऐ हमारे प्यारे बचाने वाले यीशु, अगरचा हम रोज़मर्रा गुनाह करके तुझको नाराज़ कर, तो भी तू अपनी मेहरबानी और प्यार से हमारी तरफ देखता है। आज हमको ये फ़जल अनायत कर कि हम हमेशा अपने गुनाहों पर अफसोस से गौर करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
اسلام اے مریم پور فضل خدا ہم تیرے ساتھ ہے تو اور تمہیں مبارک ہے مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسا ابتدا میں تھا اب ہمیشہ ہوگا آمین ہم پر رحم کر اے خداوند ہم پر رحم کر اے خداوند شمعون قرینی نے صلیب اٹھانے میں سہارا دیا اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں اس لیے کہ تو نے اپنے پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی خیال کرو کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یسوع کو صلیب اٹھا کر چلنے کی طاقت نہیں رہی تو ایک شخص شمعون قرینی نام کو بگاڑ پکڑا تاکہ وہ یسوع کے پیچھے صلیب اٹھا کر چلے اے پیارے یسوع ہم صلیب سے بھاگ نہیں جاتے بلکہ اس آدمی کی طرح اس کو اور اس فانی زندگی کی محنتوں اور مصیبتوں کو صبر سے اٹھائیں گے اور خدا کی محبت کے لیے ان کو خوشی سے قبول کریں گے آمین اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا آمین اسلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو اور تمہیں مبارک ہے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسا ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا آمین ہم پر رحم کر اے خداوند ہم پر رحم کر اے خداوند مقام چھٹا ایک نیک عورت نے یسوع کا منہ پہنچا اے مسیح ہم اور تیری حمد کرتے ہیں اس لیے کہ تو نے دنیا کو مخلصی بخشی خیال کرو کہ ایک نیک عورت نے یسوع کو ایسی گمزدہ حالت میں دیکھ کر اور اس کے منہ سے لہو اور پسینہ گرتا ہوا دیکھ کر ایک رومال لیا اور یسوع کا منہ پہنچا جس پر یسوع کے چہرے کی مقدس تصویر اتر آئی اے پیارے یسوع جس وقت بپتسمہ کے ذریعہ سے ہماری تجھ سے محبت ہوئی تو ہمارا دل اس وقت کیسا ہی خوبصورت تھا مگر تیری محبت اور مہربانی کو نہ چیز سمجھ کر ہم نے اپنا دل گناہوں سے بے ڈول اور بدصورت بنایا صرف تو ہی ہمارے دلوں کو پہلی خوبصورتی عنایت کر سکتا ہے اپنے دکھوں کی خاطر ہم کو بخش آمین اے ہمارے باپ تو تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا آمین سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر
अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदुस का हो, जैसा खुदा में था परमेश्वर होगा आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। मकाम सातवा, यीशु दूसरी दफा गिर पड़ा। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पास सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ख्याल करो कि हमारा खुदावन दूसरी दफा गिर पड़ा और उसके मुकद्दस सर और अज़ा के जख्मों का दुख ज्यादा हो गया। रहीम यीशु, तूने कितनी दफा हमारे गुनाहों को बख्शा, तो भी हमने फिर आजमाइशों में गिरकर और गुनाह करके तेरी बेइज्जती की है। तू रहम करके हमारी मदद कर कि रोजमर्रा हम अपने गुनाहों से तौबा करें और तेरी मोहब्बत में मौत तक कायम रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ऐ मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदुस का हो, जैसा इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। मकाम आठवां, यीशु औरतों से बात करता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसीलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ख्याल करो कि यीशु को इस रंजीदा हालत में देखकर राह में उसका लहू टपकता जाता है। हमदर्द औरतें उसके पीछे चल पड़ी। उसने उनको देखकर कहा, ऐ औरतों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। ऐ खुदावन, हमारे गुनाह जो तेरे दुख और मौत का सबब हुए, हमें इन पर रोना वाजिब है। हम रोते हैं कि गुनाह करने से हमने तुझको, जो बड़ा मेहरबान है, नाराज किया है। हमें माफ़ी बख्श और अपनी मोहब्बत फिर हमको अनायत कर। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जा को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। मकाम नौवां, यीशु तीसरी दफा गिर पड़ा। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसीलिए कि तूने अपने पाप सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ख्याल करो कि यीशु की कमजोरी ज्यादा हो गई और जालिम सिपाहियों की बेरहमी बढ़ती जाती थी। वो चाहते थे कि यीशु जल्दी जल्दी चले, मगर चूंकि उसको इतनी ताकत ना थी, इसलिए वो तीसरी दफा गिर पड़ा। यीशु, यीशु, ऐ खुदावर, इस कमजोरी के खातिर जो तुझको इस सफर में
हम को मजबूती इनायत कर ताकि हम दुनियावी खौफ और अपनी सब बुरी ख्वाहिशों पर फतह पाएं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, तू और तुम्हें से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटी और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसीलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ख्याल करो कि कैसी बेरहमी से जलादों ने यीशु के कपड़े उतारे, और चूंकि उसके कपड़े जख्मों से चिस्पा हो गए थे, इसलिए उनके साथ ही उसके पाक बदन का चमड़ा भी भींजा गया। ऐ हमारे बेगुनाह यीशु, इन दर्दों के खातिर जो तूने उस वक्त बर्दाश्त किए, हमको अपना फजल इनायत कर, ताकि हम सब दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत दूर करके और अपना दिल पाक रख कर सिर्फ तुझ ही को खुश करने की कोशिश करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। यीशु सलीब पर कीलों से जड़ा गया, ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि सिपाहियों ने यीशु को बेदर्दी से सलीब पर गिराया, और यीशु ने अपने हाथ सलीब पर पसार कर अपनी जान की कुर्बानी अपने असली बाप को हमारी निजात के लिए चढ़ाई। तब सिपाहियों ने यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ गए, और सलीब को खड़ा करके बेइज्जती और रुसवाई में उसे मरने दिया। ऐ प्यारे यीशु, हमारे गुनाहों ने तुझको सलीब दिया है, हम जिंदगी भर इनके लिए तौबा करते रहेंगे। आज तू रहम कर के अपने पाक दिल की मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसी डाल कि हम तुझको कभी ना छोड़ें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है
जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम कर्ज का हमें बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम है मरियम फुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था अब है हमेशा होगा, आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मकाम बारवा, यीशु सलीब पर मर गया, ऐ मसीह हम तेरे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि यीशु 3 घंटे सलीब पर जानकारी की हालत में रहा और दर्द उसे खा गया, तब उसने सर झुकाकर जान दी। अजीजों, सब जो यहाँ मौजूद है अपनी आंखें बंद करें और खुदावंत की उस मौत को याद करें कि जो इस सलीब पर अपनी जान कुर्बान की है, और इस ये लम्हा है कि हम खुदावंत से दुआ मांगे, खुदावंत के दुखों का तजर्बा करें, उसके कीमती खून जो मेरे और आपके लिए खुदावंत यीशु मसीह ने बहाया, उस बेशकीमत खून की कदर करते हुए हम अपने दिल खुदावंत की हजूरी में दें, अपने दिल खुदावंत को पेश करें जो कि नापाक दिल है, और खुदावंत से इल्तिजा करें कि वो हमारे दिलों को पाक करें, अपने पाक लहू से हमारे दिलों को धो डाले, ताकि हम पाकीज़ा होकर खुदावंत यीशु मसीह की पैरवी करें जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने अपनी जान हमारी खातिर इस सलीब पर कुर्बान की है। आए हम खामोशी में खुदावंत से दुआ मांगें। खुदावन यीशु, तू हमको हमेशा की मौत से बचाने के लिए मर गया, हम अपने बड़े गुनाहों के सबब से दोजख के सजावार हुए हैं, लेकिन तेरी मौत हमारी उम्मीद है, हम पर रहम कर और अपनी मोहब्बत की खातिर ये अनायत कर कि हम गुनाहों से खौफ खाएं और तेरी मोहब्बत में कायम रहकर आखिरकार एक रोज़ अपनी जान तेरे हाथों में सौंपें, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम है मरियम फुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब हर हमेशा होगा, आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। ख्याल करो कि जब यीशु मर गया तो इसके शागिर्दों में से 2 यानी यूसुफ और निकोदीमस ने इसको सलीब पर से उतारा। उसकी प्यारी मां की गोद में रखा, ऐ गमज़दा मां, हमारे गुनाहों ने तेरे बेटे को मार डाला है,
आज हम वादा करते हैं कि ना तेरे बेटे को और ना तुझको नाराज करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के डे आज में दे, और जिस तरह अपने कर्जा को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें इजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि गबराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यसु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब हर हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। मकाम 14, यीशु कब्र में रखा गया। ऐ मसीह, हम तेरे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ख्याल करो कि कैसे गम और अफसोस से वो दो शगिर्द यीशु की लाश को कब्र में रखते हैं। कितनी दफा हमारा दिल बड़े दुखों की कब्र में दफन किया गया और शायद आज तक गुनाहों की कब्र में पड़ा हुआ है। रहम कर ऐ खुदावन, और जिस तरह तीसरे दिन कब्र में सजा होता, उसी तरह हमारे दिलों को भी आजमाइश और है। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के लिए में दे, और जिसका अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि भलाई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। उन दुखों पर ध्यान और ज्ञान करें कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहे हैं, कि आज का ये सफ़र हम सब के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए जो बेरा रवि का शिकार हैं, उन अफराद के लिए जो हमारे ख़ानदानों और कलीसिया में बीमार हैं, जो तरह तरह की मुश्किलात का शिकार हैं, जो परेशानियों में मुब्तला हैं, कि हमारी ये आज की इबादत हम सब के लिए से तशफ़ी हो। आए हम खामोशी इख्तियार करें और चंद लम्हों की खामोशी में आज के इस दिन और इस सफ़र पर ध्यान ज्ञान करें।